यूपी भाजपा में सरकार बनाम संगठन के बीच जो जंग छिड़ी थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और तो और अब ये जंग विधान परिषद में भी देखने को मिलने लगी है। दरअसल योगी सरकार ने नजूल जमीन विधेयक को 31 जुलाई को विधानसभा से तो पास करा लिया, लेकिन ये विधेयक अब विधान परिषद में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब खुद विधान परिषद में यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रस्ताव पेश किया है और इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए कहा है। इसके बाद सभी सदस्यों की सहमति के बाद इसे प्रवर समिति को भेजने का फैसला लिया गया। बता दें कि बुधवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक पर खूब हंगामा हुआ था। वहीं विधानसभा में भाजपा के कई विधायकों ने भी असहमति जताई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के विधेयक को वापस समिति में भिजवा दिया है। वहीं भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इसमें संशोधन की मांग की थी। हालांकि इससे पहले प्रयागराज से भाजपा विधायक ने भी बुधवार को सबको चौंकाते हुए अपनी सरकार के इस विधेयक के खिलाफ बात कही थी, जिसमें नजूल भूमि को निजी फ्री होल्ड में बदलने से रोका गया है। भाजपा विधायक की आपत्तियों से सत्ता पक्ष को असहज स्थिति में डाल दिया था। जब मंत्री सुरेश खन्ना ने वाजपेयी के बोलने के दौरान हस्तक्षेप किया, इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भाजपा विधायक वाजपेयी से कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, पहले पढ़ तो लो। वहीं इस विधेयक को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने भी इस विधेयक पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ये विधेयक छोटा हो सकता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी विधानसभा के वेल में आकर इस विधेयक का विरोध किया था। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट लिखा है और योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि नजूल जमीन विधेयक दरअसल भाजपा के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने आसपास की जमीन को हड़पना चाहते हैं। गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। आशा है मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, खास तौर से गोरखपुर में। हालांकि ये विधेयक विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में नजूल विधेयक फंस गया है और 2 महीने के बाद प्रवर समिति जब इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, इसके बाद ही कुछ फैसला होगा। लेकिन जब इस विधेयक का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रवर समिति भेजने का अनुरोध कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाम संगठन की जो जंग थी वो खुलकर सामने आ गई है।